चलिए बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खापरे के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोला। गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार को चूड़ियां दिखाई। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर लकड़ी जलाकर रोटी बनाई। कांग्रेस कार्यकर्ता आज धरने में बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि महंगाई के खिलाफ वो लगातार एक्शन लेते रहेंगे, लगातार सरकार का विरोध करते रहेंगे। प्रदेश कार्यालय से विधानसभा तक जाना था लेकिन पुलिस प्रशासन ने यही रोक दिया, तो प्रांतीय अध्यक्ष जी यहीं बैठ गए, हमारे साथ मौजूद है, जानते हैं क्या बात है, पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक। देखिए साहब, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की हो, इसको आने के बाद आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। 2 जून का निवाला भी सरकार ने छीन लिया। स्टेप बाई स्टेप महंगाई बढ़ाई जाती रहती है, कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी रसोई गैस। अभी आपने देखा कि रसोई गैस में 50 रुपए इन्होंने घरेलू जो गैस है जो उसमें बढ़ाए, और 350 रुपए इन्होंने कमर्शियल बढ़ाए। कमर्शियल का मतलब क्या है? जो गुजिया बनाई जाएंगी तो उसमें कमर्शियल लगेगा, जो गुजिया खरीद के लाएगा तो कमर्शियल लगेगा। 50 रुपए बढ़ा के दिखाया कि हमने कम बढ़ाया, क्यों बढ़ाया भाई? ये होली के त्योहार का क्या आपने तोहफा दिया पहले से? ये जुल्म है, जुल्म, और कांग्रेस पार्टी जुल्म बर्दाश्त नहीं करेगी। हमेशा विरोध किया है और विरोध करती रहेगी। उस समय पेट्रोल जब हमारी सरकार थी 2014 से पहले, अगर 50 रुपए पेट्रोल हो गया तो मोदी जी ने क्या बोला? अगर 10 रुपए बढ़ गए रसोई गैस के, 400 रुपए का सिलेंडर मिलता था, तो स्मृति ईरानी जी ने क्या कहा था? किसको चूड़ियां भेज रही थी, अब किसको भेज रही हैं? कहां चली गई वो भाजपा? पूरी कैसे आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो कार्यालय से निकले थे धरना प्रदर्शन करने के लिए, निकले थे सोच के कि विधानसभा तक जाएंगे, वहां जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने यही बिठा दिया और यही बैठ के अब महंगाई जला रहे हैं। पहले महंगाई का विरोध कर रहे थे, अब महंगाई जला रहे हैं, यही रोटी बना रहे हैं, क्या चल रहा है? देखिए, आम जनता का बजट जो है आज जिस तरीके से बिगड़ रहा है, बढ़ती महंगाई को देखिए, लगातार बढ़ते सिलेंडर के दाम जो है लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं, महिलाओं को खासकर, उनकी गृहस्थी जो है किस तरीके से चल रही है एक महिला ही जान सकती है। एक आम महिला से आप जाके पूछिए कि किस तरीके से वो गृहस्थी, 2 जून की रोटी वो नहीं खा पा रही है, और लगातार बढ़ते सिलेंडर को आप उज्ज्वला योजना के थ्रू कहते हैं कि हम सिलेंडर आपको दे रहे हैं, लेकिन कितने सिलेंडर भरे इसके आंकड़े आप देखिए, लगातार जो है वो बता रही है कि सिलेंडर घर में रखे हुए हैं और भरवा नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतनी बढ़ती जा रही है और सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज हालात ये हो गए हैं कि आप अपने मित्रों को फायदा पहुंचा रहे हैं, अडानी को फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन आम जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और फिर बात करते हैं, आप त्योहार मनाइए, महिलाओं का सम्मान हो रहा है, ये कौन सा महिलाओं का सम्मान हो रहा है जो महिलाओं पे ही आफत आई हुई है? गृह मंत्री जी हैं जो है वो तो कह रहे हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत देंगे, होली दिवाली पे फ्री गैस देंगे, महिलाएं बहनें खूब गुजिया बनाए, तो क्या गुजिया नहीं बन पा रही है? ये सिलेंडर देखिए गौर से, ये 400 कुछ रुपए का आता था, आज ये 1100 कुछ रुपए का आता है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, सिर्फ अडानी का विकास और बाकी सबका विनाश, ये है इसकी असलियत। ये 500 रुपए का सिलेंडर मिलता है राजस्थान की सरकार देती है, क्यों नहीं मिलता उत्तर प्रदेश में महिलाओं को? क्यों, क्या ऐसा है उत्तर प्रदेश में ऐसा है जो ये नहीं दे पा रहे? सवाल तो ये है ना, जो स्मृति ईरानी जी 50 रुपए बढ़ते थे, सड़कों पर बैठती थी, आज एसी कमरों में क्यों बैठी हुई है? निकल के सामने क्यों नहीं आती है? बताती क्यों नहीं है? क्या रीजन है? पूरी इस देश की जनता त्राहिमाम हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी का हाल है, वो वाकई में चिंताजनक है। आम जनता त्राहिमाम है। और पूछना चाहती हूँ कि घर चलाना मुश्किल नहीं दिख रहा आज किसी को? क्या चीनी के दाम बढ़े नहीं? जो 13 रुपए किलो चीनी देने की बात कर रही थी, आज कहाँ है वो? आटे के प्राइस, तेल के प्राइस, दूध के प्राइस, दही के प्राइस, चाय पत्ती, सब्जी, हर चीज महंगी हो चुकी है और इंसान की कमाई कम होती चली जा रही है। चूड़ी लेके बैठी है, क्यों चूड़ी हाथ में पहन ली है? देखिए, महंगाई के खिलाफ सिलेंडर, एक गरीब आदमी कैसे 1100-1200 रुपए, अगर वो 200 रुपए दिहाड़ी कमाता है तो 1200 का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? और महंगाई, GST, दुनिया भर के चार्जेस, एक गरीब आदमी को सोच के उनको करना चाहिए। इसलिए मैं सरकार को चूड़ी दिखा रही हूँ, इंतजाम करो, चूड़ी पहनो आप।
और गरीब को देखो आप ना, आप मिडिल फैमिली को भी देखो ना, गरीब अमीरों को क्यों देख देख के आप इसने टैक्सेस बढ़ाते चले जा रहे हैं, बस मुझे यही कहना है। तो देख सकते हैं चूड़ी लेके बैठी है, कह रही है कि सरकार चूड़ी पहन ले, और यहाँ पर रोटी बना रही है, महंगाई को जला रही है, और तमाम जो महिलाएं हैं, महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, वो लगातार महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन शुभम के साथ स्कंदिता मिश्रा, न्यूज वन इंडिया। पूरे प्रदेश का धरना प्रदर्शन एक दिन का है। क्या मांगे, क्या करेंगे आगे, क्या रणनीति है? मांगना क्या है, जो इन्होंने गिफ्ट में दिया है उसे ये वापस कर लें, ये हमारी मांग है। दवाइयों में महंगाई, गैस सिलेंडर में महंगाई, शिक्षा में महंगाई, बिजली पे महंगाई, सारी सारी महंगाई ही महंगाई तो है। तो ये गिफ्ट जो दी जा रही है सरकार के द्वारा होली के मौके पर, ये जनता चाहती है कि ये गिफ्ट वो वापस कर लें। आगे विधानसभा तक जा पाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे पैदल मार्च? अब फोर्स लगा रखा है, कैसे जाने देंगे?